मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है और निश्चित रूप से जब तक मिलवालों की और प्रदेश सरकार की या सरकार में बैठी हुई पार्टी की आपस में तय नहीं हो जाएगा लेन देन का मामला, तब तक गन्ना मूल्य घोषित नहीं होने का। विपक्षी दल विशेषकर भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गन्ने के सवाल पर जो घड़ियाली आंसू बहा रही है उसको प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। बड़ा खेदजनक विषय है, जब सारी गन्ना मिलें चलने लगी हैं, पिराई का काम शुरू हो गया है, यह सरकार अभी तक निश्चित नहीं कर पाई है गन्ने का प्राइस। सपा सरकार द्वारा गन्ना मूल्य निर्धारित न करना किसानों के साथ सरासर ये अन्याय और धोखा है और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का किसान विरोधी चेहरा भी आज उजागर हो रहा है। सरकार अपना गणित बिठाने में लगी है तो सियासी दावपेच के चक्कर में फंसे किसान सस्ते दामों पर गन्ना कोल्हुओं में बेचने को मजबूर हैं। गन्ने की खेती यूपी की बड़ी आबादी के लिए रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन विडंबना ये है कि यूपी में सियासी मंसूबों को पूरा करने के लिए गन्ना एक कारगर हथियार है। बीते 3 दशकों से गन्ना किसान इसी स्याह सियासत के शिकार बन रहे हैं। एक बारगी फिर से सियासी दांवपेचों और सरकार के ढुलमुल रवैये के चलते इन किसानों की जिंदगी में गन्ना मिठास कम और कड़वाहट ज्यादा घोल रहा है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ ज्ञानेन्द्र शुक्ल, P7 न्यूज, लखनऊ।